भी स्कूल च गंद पिया होया। पहला मैनू ऐ दसन एदा सबूत देन भी की गंद पिया होया स्कूल च। साडियां बच्चियां दी बदनामी हो रही है कि इस गल च बच्चे पूरे नहीं पढ़दे। उन्होंने अपने राजसी रसूख करके निजी रंजस लगा लो भी उन्होंने साडी बदली करवा दी। बदलियां होईयां ने, एक संस्था दे विचों चार बदलियां दा हो जाना बड़ी मंदभागी घटना है। बदलियां सरकार दे थ्रू होईयां ने, मतलब ये पोलीटिकल प्रेसर कितने ना कितने सानू लग रहा है। खबर अमरगढ़ तो है जिथे सरकारी हाई स्कूल पिंड सलार विखे तीन अध्यापकों दी बदलियां दे विरोध। स्कूली बच्चे उन्होंने मापिया अते अध्यापकों वालों स्कूल के गेट मूहरे धरना प्रदर्शन करदे सूबा सरकार अते जिला सिक्ख्या अफसर खिलाफ़ जम के नारेबाजी की गई है। इतों तक कि स्कूली बच्चों ने पहली टर्म के पक्के पेपर देने तो भी कोरी ना कर दिती है। मौके पर पहुंचे जिला सिक्ख्या सुधार कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर खलील के समझाने के बावजूद भी बच्चे अते मापे अपनी मंग ते अड़े हुए ने। अमरगढ़ तो मंजीत सोही की रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे पंजाब। मेरा नाम गुरजीत सिंह है, पिंड बुरजगुल सिंह वाला, तो मैं एज स्कूल उरे चेयरमैन भी हाँ। तो बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान मतलब मैडम करवा रही हैगी, ठीक है नहीं। असी पिछे जो इनकुआरी हुई सी हो गए चार पाँच दिन, तो उत्थे बकायदा मतलब ये मता पा के भी दिता गया, लिख के दिता गया भी किसी भी टीचर की कोई बदली नहीं होनी चाहिए। चलो बदलियां सरकार दे थ्रू हुई ने, मतलब ये पोलीटिकल प्रेसर कितने ना कितने सानू लग रहा है भी सियासती दौर चल रहा है, पोलीटिकल दौर करके प्रेसराइज करके बदलियां हुई ने। क्योंकि पठानकोट किसी की कीती है, किसी की जलंधर कीती है, तो मैडम की बदली इतने नेड़े रुड़के वो क्यों? क्योंकि उन्होंने कितने कोई दूर स्टेशन नहीं मिल सकता सी जिहड़े हैड ने। असीं तां इही चाहुंदे आ भी साडे बच्चों का नुकसान ना होए, स्कूल भी चलता रहे इस तरह, ठीक है नहीं। भी टीचर की बदली रोकनी चाहिए है, ठीक है नहीं। अगर नहीं रुकती तो इन्हों के जाने तो पहला पहला मैं अपने बेटे का नाम कटवा के कितने होर। अच्छा किन्ने बच्चे तुहाडे? साढ़े तीन बच्चे पढ़ते नहीं। की कहना चाहुंदे, की गल हुई है? गल कुछ नहीं हुई जी, इन्होंने बिना कसूर तो इन्हों की बदली करने की सोच रखी हैगी। साड़ी मांग यही है भी इन्हों की बदली ना हो जाए। जे बाई चांस नहीं बदली हो रही तो असं अपने बच्चे नाम कटवा के घरे बिठा लाँगे। हुण की कर रहे हो अज? अज असीं आ कर रहे ने, भुख हड़ताल ते बच्चे बैठे ने जी इन्हां नाल। जदों बच्चे ये हालत बैठे ने असीं भी ये हालत च खड़े हैं इन्हां दे नाल। अंदर अधिकारी आए ते सुनी नहीं थोड़ी गल? उन्होंने साड़ी हजे कोई गल नहीं सुनी, उन्होंने सानू हजे बुलाया नहीं हैगा अंदर। हाँ जी, की मंग करदे हो? यही मंग करदे हां भी इन्हां दी बदली ना करी जावे, साडे बच्चों का भविख ना हो जाए, इंसाफ मिलना चाहिए सानू। जेकर बदली नहीं रुकेगा की थोड़ी प्रतिक्रिया? साडी यही भुख हड़ताल ते बच्चे साडे असीं भी खड़े हां जी। की नाम की है जी थोड़ा? मेरा नाम राकेश पाल सिंह है जी, मैं SST मास्टर हां इत्थे सलार स्कूल दे विच जी। अच्छा, जिहड़ी की कहना चाहुंदे हो, जिहड़ी बदली होदी होई है क्यों होई है ते अज की प्रोटेस्ट कर रहे हो बच्चों के नाल? सर असी नहीं अपने वालों की प्रोटेस्ट कर रहे, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे ने साडे लई, सानू भी बल्कि बच्चों ने जान नहीं दिता। कल की गल है, बच्चे असी ज्वाइन करन जाना सी तां बच्चों ने सानू बल्कि धमकी दित्ती वी अगर तुसीं चले जांदे हो तां असी कोई गलत हरकत करांगे, मतलब कोई कंधा च सिर मार रहे थे, बच्चे रो रहे सी बहुत सारे बच्चे। तां करके देखो साडी जिहड़ी जॉब है बच्चों नूं उपर नहीं, सानू कोई बच्चे का कोई नुकसान ना हो, इसलिए असी कल दे ज्वाइन करन गए नहीं हले तक। बदली क्यों हुई तुहाडी? बदली सर जिहड़ी पिछले दिनां दे विच साडी इनकुआरी हुई सीगी, उस तो पहला भी साढ़े जिहड़े स्कूल के मुख्य अध्यापक ने उन्होंने खिलाफ असी कई कंप्लेटा पाई हुई नहीं, जिन्हों की अजे तक कोई कार्रवाई नहीं हुई हैगी। सिर्फ एक कंप्लेट की थोड़ी जी कार्रवाई हुई है, क्योंकि मुख्य अध्यापक ने इत्थे जिहड़े ग्रांटा का काम से दान का, वो काफ़ी घपले किए ने जी। मुख्य अध्यापक अपने राजसी रसूख वरतते हुए सारिया कार्रवाइया जो दबा रहे हैं जी। तो जी पिछले दिन साड़ी बदली संबंधी जी आई थी शिकायत, उस दे विच भी जिन्ने पेरेंट्स सीगे बच्चों के आए थे जी कुछ अपने वालों, तो बच्चों वालों भी इनकुआरी करवाई गई सी, तो बाकी स्कूल स्टाफ के वालों भी, तो कुछ पंचायत वाले, उन्होंने सारिया ने साढ़े फेवर के उस दिन भी अपने बयान दिते थी, तो मुख्य अध्यापक के खिलाफ़ दिते थी, जिन्हें के बच्चे भी उरे नहीं पढ़ते। उन्होंने अपने राजसी रसूख करके निजी रंजस लगा लो भी उन्होंने साड़ी बदली करवा दी गई है जी। जिहड़े पढ़ते ही नहीं बच्चे उन्होंने की थोड़ी रंजस हो सकती है? सर यही गल सानू नहीं समझ आ रही, असीं भी यही गल की मंग करते हैं सरकार तो। देखो जिवें भगवंत मान साहब ने बहुत सच्चे सुचे इंसान ने उपर, ठीक है, असं उन्होंने बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने सरकार के अंडर फिर भी ये कुछ हो रहा है तो यह बहुत माड़ी गल है जी। एक सानू असी खुद ये गल कहने भी साडा किसी भी तरह का कोई दोष साबित करो, साडी बदली बनती है जी, असीं जाण नूं तैयार हाँ जी, साडी बदली उदों हुंदी है। असीं हुण भी जाण लई तैयार सी पर सानू बच्चे जाण नहीं दे रहे जी, असीं बच्चों नूं छड्ड के इदां नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चे का नुकसान हो जाए, असीं बच्चों नूं छड्ड के नहीं जा सकते। पेरेंट्स नूं
बेनती करने लिए आया सी कि जिहड़ियां इह बदलियां होईयां ने एक संस्था दे विच्चों चार बदलियां दा हो जाना बड़ी मंदभागी घटना है। तो यह हैड बस स्टाफ दे विचकार जो जिहड़ा कशमाकश काफ़ी देर तो चल रहा सी उस दे सोल्यूशन दे लई कई बार इनकुआरियां मार्क होईयां ते उन्होंने अपने जिहड़े सीगे रिपोर्टां दर्ज कराईयां। तो रीसेंटली जिहड़ा यह मैडम नीलम कुमारी वालों हैड वालों शिकायत की गई सी कि तीन अध्यापक मेरे प्रबंध के रोड़ा बन रहे हैं ये खराब कर रहे हैं। उस संबंध तीन प्रिंसीपल का पैनल थी जिहड़ा वो जिला सिक्ख्या दफ्तर वालों लगाया गया उस दे विच जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की भावें कि शिकायत नीलम कुमारी वालों सी पर उस दे विच नीलम कुमारी की भी बदली है जिहड़ी वो की गई क्योंकि कितें ना कितें पैनल नूं लग रहा है कि मैडम दे भी कितें ना कितें कोई दोष है इस करके उन्हां दी बदली भी की गई। बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान है इसलिए तो मैं अज बेनती करना है पेरेंट्स नूं भी ये जिहड़ा बदली दा हैगा इहदे लई तुसीं अपने पत्तर ते जो कोशिश भी कर सकते हो असीं तुहाडा मंग पत्र है जिहड़ा अज प्राप्त करके उच्च अधिकारियों नूं देखो गल यह है जिहड़ा यह उच्च अधिकारियों की मर्जी तो हुंदा है भी वह कित्थे कित्थे भेजना चाहुंदे ने जदों कोई संस्था दे विच गड़बड़ होंगी है स्टाफ दे विच उन्होंने देखते हैं भी इनू दे एक बार दूर ला के ता के नेड़े लै भी आते हैं लेकिन एक बार जरूर दूर भेजते हैं भी ताकि जिन्ना क जो दोषी है उन्होंने आप इस सब कुछ सिखाइए उन्होंने मकसद तो यही होंगे पर मंदभागी घटना है।